आजकल आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के रूप में काफ़ी ज़्यादा उभर कर आ रही है। इसके कारण कई लोग आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, परंतु लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले आरसीएम बिजनेस के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। और यह सही भी है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेना बेहतर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आरसीएम बिजनेस के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आरसीएम बिजनेस की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई है, परंतु हम आपको बता दें, आरसीएम बिजनेस की शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग के रूप में 2000 ईस्वी में हुई थी, परंतु व्यवसाय के रूप में इसकी शुरुआत 1970 में हो चुकी है। इसकी शुरुआत राजस्थान के एक छोटे से गांव भिलवाड़ा से हुई थी, जिसमें कि केवल पेंट के कपड़े का उत्पादन किया जाता था। आरसीएम बिजनेस का हेडक्वार्टर राजस्थान के भिलवाड़ा शहर में आरसीएम वर्ल्ड के नाम से मौजूद है। यह एक प्रकार का ट्रेडिशनल बिजनेस था, जिसे आरसीएम कंपनी के मालिक श्री त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी संभालते थे। फिर धीरे धीरे उसने अपने व्यवसाय को विस्तृत रूप दिया और 2000 ईस्वी में एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के रूप में इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया। भारत में अभी तक 100 से अधिक MLM कंपनी है, जिसमें आरसीएम बिजनेस एक बेहतरीन MLM कंपनी के रूप में उभर कर सामने आई है। आरसीएम बिजनेस ने हमेशा से ही कानूनी तौर पर बनाए गए नियमों का पालन किया है। आज भी यह कंपनी भारत सरकार द्वारा 2016 में लाई गई नियमों का पालन कर रही है और डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को भी पूरा करती है। कई लोग आरसीएम बिजनेस पर इसलिए भी भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक बार आरसीएम बिजनेस बंद हो चुकी थी। इसलिए लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि आरसीएम बिजनेस क्यों बंद हुई थी। तो चलिए आज हम इसका भी इतिहास जान लेते हैं। जिस समय आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई थी, उसी समय कई और कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत की थी, परंतु कई कंपनियों ने लोगों के साथ फ्रॉड किया, जिस कारण सरकार ने सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को बंद कर दिया। बाद में आरसीएम प्रमोटर्स ने अगले 10 महीनों तक दिल्ली और जयपुर की कंपनी को फिर से शुरू करने के लिए धरना दिया, और एक छानबीन के तहत अक्टूबर 2012 को यह पता चला कि आरसीएम बिजनेस किसी तरह की फ्रॉड नहीं कर रही है। इसलिए आरसीएम बिजनेस को अक्टूबर 2012 में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा फिर से शुरू कर दिया गया। इसलिए यह कहा जाता है कि आरसीएम कंपनी एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक है। जैसे कि हमने आपको बताया, आरसीएम बिजनेस भारत सरकार द्वारा 2016 में जारी किए गए गाइडलाइन को पूरी तरह फॉलो करती है और टैक्स का भी भुगतान करती है। इस गाइडलाइन के अंतर्गत आरसीएम बिजनेस का पूरे भारत में 15,000 से भी अधिक PUC है और लगभग 500 डिपो स्थित है। अलग अलग और बड़े बड़े शहरों में आरसीएम के कई बड़े बड़े ऑफिस और वंडर वर्ल्ड खुल रहे हैं। आरसीएम बिजनेस में 400 से भी अधिक प्रोडक्ट मौजूद हैं, जिसमें पर्सनल केयर प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इत्यादि शामिल हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपने जाना आरसीएम बिजनेस के इतिहास के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।